कारवा अपने बिग क्लैश से पहले पहुंच चुका है राइट स्टेशन। यह स्टेशन है मोदी का गढ़, मोदी जी का गढ़ यानी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आपको पता है कि 14 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली इसलिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आमने सामने भिड़ेंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो ये दिवाली से कम नहीं होगा। नवरात्र का टाइम भी चल रहा है, नवरात्र भी उस टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे, तो डबल धमाका आपको, डबल ऑडियंस का हुजूम आपको देखने को वहां पर मिलेगा। इसी के लिए टीम इंडिया अब अहमदाबाद पहुंच चुकी है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल इंडिया अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर अब टीम इंडिया का कारवां पहुंच चुका है अहमदाबाद में, जहां के विजुअल्स अब आने शुरू हो चुके हैं। आपको विजुअल्स में नजर आ रहा होगा विराट कोहली सारे टीम मैनेजमेंट के साथ अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, रोहित शर्मा अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान की टीम भी अहमदाबाद आ गई, जहां पर पाकिस्तान की टीम का भव्य तरीके से राजस्थानी या गुजराती बोलेंगे गुजराती वे में उनका स्वागत हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया अहमदाबाद आए और गुजराती वे में स्वागत ना हो आपका, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान टीम का भव्य स्वागत हुआ, इंडियन क्रिकेट टीम का भी अच्छे से स्वागत किया गया। टीम इंडिया जो है अभी अहमदाबाद पहुंच चुकी है अपने अगले अभियान, अपने नेक्स्ट अभियान, अपने आई थिंक सबसे बड़े अभियान के लिए, जो कि है इंडिया पाकिस्तान क्लैश। इस चीज के लिए हम लोग सभी एक्साइटेड है। 14 अक्टूबर को यह कारवां शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी भी रखी गई है, जिसमें आपको अरिजीत सिंह, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां आपको नजर आएंगे ओपनिंग सेरेमनी में। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नवरात्र का टाइम भी है, ऑडियंस को हुजूम रहेगा, टीम इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने फिर से एक बार भिड़ेगी, क्योंकि इससे पहले एशिया कप 2023 में भिड़ी थी। बहुत अच्छे से स्वागत होगा आई एम श्योर, इंडिया का भी और पाकिस्तान का तो हुआ ही है। अब हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया टीम इंडिया का थोड़ा बहुत डोमिनेंस रहा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर टीम इंडिया की जो जीत है, जो उनका विजय रहता है, वो अच्छे से बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया। साथ ही साथ रोहित शर्मा कप्तान फॉर्म में आ गए हैं भैया, शतक मार कर आ रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। तो टीम इंडिया जीत के साथ आ रही है, हालांकि पाकिस्तान भी बड़ी जीत के साथ आ रही है, बट टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली का तो फॉर्म था ही, रोहित शर्मा का थोड़ा फॉर्म डगमगाया हुआ था, बट अब उनका भी फॉर्म वापस आ चुका है, शतक उन्होंने लगा दिया, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तोड़ दिए हैं उस मैच में। अब कमेंट्स करके आप अपनी राय बताइए, ये भी बताइए कितना एक्साइटेड है आप 14 तारीख के लिए, जब इंडिया पाकिस्तान महामुकाबला होगा।